हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विराट मौर्य। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल विराट टेक्नोट्रिक्स। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे करें बीपी। देखो, ये बात तो है कि यूट्यूब पे हजारों वीडियो पड़े हुए हैं कि हाउ टू डू पीवीपी, पीवीपी में प्रो कैसे बने, लेकिन उन सबसे मैं आज बहुत अलग चीज़ बताने वाला हूँ, प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूँ कि मैं कैसे बता रहा हूँ, ठीक है। तो पीवीपी की प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले आपको ले लेना है अपने लिए एक बढ़िया सा आर्मर, ठीक है। नेदरराइट का नहीं लेते हम लोग, डायमंड का आर्मर लेंगे, ठीक है। ये टिप मैं बिगिनर के एकदम जो शुरुआत से, एकदम जो अभी माइनक्राफ्ट शुरू किया है उनके लिए बता रहा हूँ। बाकी जो प्रो लोग हैं, थोड़ा से मतलब एवरेज प्लेयर्स हैं, वो लोग के लिए रहते हैं ये सिंपल होगा। तो हम लोग इस आर्मर को फटाक से पहन लेते हैं। रुको नहीं, ठीक है, हम लोग ने आर्मर को पहन लिया है। ये देखिए, आप सबसे पहले हम लोग को जिस मॉब से लड़ना है, देखो मॉब से हम लोग बाद में लड़ेंगे, सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं आर्मर स्टैंड, ओके। और हम लोग को ले लेना है आर्मर, हम लोग लेंगे इसमें नेदरराइट का आर्मर, ठीक है। ये चीज़ बिगिनर को करनी है, जो लोग यहाँ पे एवरेज प्लेयर है, जिन लोग को थोड़ा बहुत पीवीपी आता है, उन लोग के लिए ये बात नहीं है। देखो ये बात बिगिनर के लिए है। अब ऐसे आप 1, 2, 3 आर्मर स्टैंड रख लीजिए और एक एक को आप पहनाते जाइए, देख लीजिए इस तरह से। इसको मैंने आर्मर पहना दिया है, इसको भी पहना दूंगा मैं फटाक से, ठीक है, इसको भी फटाक से पहना देना है। अब 3 आर्मर लोग ने पहन लिए हैं। अब ये जो आर्मर है इसको भैया फेंक दो, सारा आर्मर फेंक दो, ठीक है। अभी हम लोग को ले लेना है स्वॉर्ड, बट हम लोग को आयरन स्वॉर्ड लेनी है, बिकॉज ऑफ ये टूट ना जाए, बस इसीलिए हम लोग को ये स्वॉर्ड लेनी है और इनके फटका बजाते रहना। गाइस, मैं तो क्रिएटिव में हूँ ना, मैं तो चाहे हाथ से मारूं। चलो ये बात तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग वापस से लगा लेंगे, एक ही आर्मर स्टैंड के साथ करते हैं। चलो अभी हम लोग चले जाते हैं सर्वाइवल में, ओके। अभी हम लोग को इसको मारते रहना है। वेट, मैंने डबल क्लिक कर दिया, कोई बात ना गाइस, गलती तो सबसे होती है। अभी इसको हम लोग फटाक से पहना देंगे, पहन लो भाई साहब। हाँ, तो अभी उसको मारना है, ठीक है, इसको हिल हिल के ऐसे राउंड राउंड मारते रहना है, और ऐसे आप क्रिट मारना तो सीख जाओगे। देखो घूम घूम के मारना है, इससे ये फायदा होता है ना कि बंदे को पता नहीं चलता, पता चलता है लेकिन वो आपको डैमेज नहीं दे पाता सही से, ठीक है। इसकी प्रैक्टिस आपको लगभग कुछ दिनों तक करते रहनी है, जब भी माइनक्राफ्ट खेलना है बस इतना ही करना है, उसके बाद आप एक एवरेज प्लेयर बन जाओगे। और अब टाइम आता है आपको किसी मॉब से लड़ने का। देखो मॉब से लड़ने के लिए बेस्ट है कि आप हस्क से लड़ो, क्योंकि दिन में भी वो जलता नहीं है और जॉम्बी वगैरह की तरह आपको वो परेशान नहीं करेगा, ठीक है। तो अभी मैं चला जाता हूँ फटाक से क्रिएटिव में, ताकि मैं फटाक से उस मॉब को ले सकूँ, ठीक है। अभी हम लोग क्रिएटिव में आ चुके हैं, हम लोग थोड़ी दूर चलते हैं, वहाँ थोड़ा फेयर एरिया है ना, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे कुछ मॉब को ले लेते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले ये हम लोग इन्वेंटरी खोलते हैं और इसको रख देते हैं। हम लोग ज़्यादा ओवर पावर्ड नहीं है, सिर्फ डायमंड का आर्मर है और स्वॉर्ड भी हम लोग की आयरन की है, ठीक है। देखो आपको स्वॉर्ड से मारना है, एक्स आपको इसलिए नहीं मारना क्योंकि बहुत ज़्यादा कूल डाउन होता है भैया। कुछ लोग कहते हैं एक्स से लो ज़्यादा डैमेज होता है, नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ स्वॉर्ड यूज़ करनी है, देख लो भैया। अब हम लोग को हस्क ले लेना है फटाक से, देखो हस्क हम लोग का आ चुका है। और खाने के लिए आपको ले लेने हैं थोड़े से गोल्डन एप्पल्स। देखो क्या करना है, गोल्डन एप्पल खाने के बाद बार बार नहीं खाते रहना है, फिर आपको कुछ और खाना है, लाइक स्टीक आप लोग ले सकते हैं,
वेट स्टिक, वाह स्टिक ऐसे मिलता नहीं है। देखो स्टिक आप लोग ले सकते हैं, आप एकदम बेस्ट है, आप लोग गोल्डन कैरेट खाइए ठीक है। अब आप रेडी हैं, देखो अब आपको बस एक ही चीज़ चाहिए जो कि है शील्ड। शील्ड का आपको यूज़ करना है, शील्ड वेट शील्ड का आपको बहुत यूज़ करना है, क्योंकि शील्ड एक बहुत अच्छी प्रोटेक्टिव चीज़ होती है, आप लोग उससे बच सकते हैं ठीक है। ये देखिए मैंने शील्ड लगा लिए, अभी मुझे जो बंदा देखो शील्ड को डिसेबल करने के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ होती है वो है एक्स। अभी जो हस्क होते हैं इनके पास तो कोई वेपन ही नहीं होता, तो एक्स की बात ही छूट गई है ना। चलो अभी हम लोग उसको एक एक करके स्पॉन करते हैं, बहुत सारे करेंगे भाई, अनगिनत स्पॉन कर देंगे हम लोग। और हम लोग उसको मार रहे हैं, एक स्टैक से ऊपर हो चुका है, एक स्टैक से ऊपर हो ही चुका है, गारंटी हूँ मैं एक स्टैक से ऊपर हो चुका है ठीक है। आप लोग देख सकते कितने सारे हस्क हम लोग ने स्पॉन कर दिए हैं, और अभी हम लोग जाने वाले हैं सर्वाइवल में। तो गाइस नाउ हम लोग जाते हैं सर्वाइवल में ठीक है। हम लोग अभी सर्वाइवल में आ चुके हैं, और वे सबसे पहले हम लोग को गोल्डन एप्पल खाना है, तभी कुछ करना है भाई ठीक है। पहले हम लोग गोल्डन एप्पल खा लेते हैं ठीक है, एंड देन कैरेट। हम लोग को भूख नहीं लगी तो कैरेट कैसे खाएंगे। अभी हम लोग उसको एक एक करके चटकाते रहेंगे ठीक है। और हम लोग अगर अच्छी 5 हर्ट या 4 हर्ट के बीच में चली जाती है तो हम लोग को भागना है ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ का हम लोग को करना है कि अगर आप एनिमी को मार रहे हैं ठीक है, मारते मारते उसके आप आगे से 3-4 मारिए, फिर उसके पीछे चले जाइए। जैसे ये लोग की स्पीड बहुत ज़्यादा है ठीक है। अभी मेरे हर्ट थोड़े से कम हो रहे हैं, तो मुझे क्या करना है, गोल्डन एप्पल खा लेना है। नहीं हम लोग पहले कैरेट खाते हैं ताकि हम लोग की भूख पूरी फुल हो जाए, फिर हम लोग गोल्डन एप्पल खाएंगे ताकि हम लोग के हार्ट फुल हो जाए रीजनरेशन की वजह से ठीक है। अभी हम लोग को बस इसे क्रिट मारनी है, क्रिट एवरेज प्लेयर को पता होगी कि क्रिट क्या होता है ठीक है। अभी हम लोग को थोड़ी सील लगा लेंगे, देखो ये लोग चारों तरफ से आ रहे हैं तो सील काम नहीं करेंगे, कोई बात की दिक्कत नहीं है, मतलब कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी हम लोग को इनको छोटू आ रहा है, अरे मेरे हाथ कहाँ आ गए, सौड़ आ गई हाँ हट जाओ भाई मर जाओ ना। इनको एम करने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए FOV बढ़ा लीजिए मतलब, या तो कम कर लीजिए। देखिए FOV मैं आपको बता दूँ खेलते खेलते, ये देखिए कितनी आसानी से मैं उनको मार रहा हूँ, बस क्रिट मारते रहें थोड़ा रुक के मारना। देखो मेरी एक्सपी कम हो रही, तो मुझे अभी भागना होगा और अपना फूड खाना होगा। मैंने बताया 5-6 जब आपकी HP हो जाती है तो आपको भागना होता है ठीक है। चलो अभी हम लोग इसको मारते हैं, ये देखिए ठीक, आप ऐसा मारिए कि एनिमी आपके पास आ ही ना पाए। बहुत सारे एनिमी हो तो मैं नहीं बोल सकता गाइस, बस उनको मारते रहिए। देखिए क्रिट मारना बहुत ज़रूरी है, मारिए तो क्रिट ही मारिए, नहीं तो ना मारिए। देखिए अब जॉम्बी भी आने लगे थोड़े थोड़े, ये देखिए ये लोग मेरे को कॉम्बो दे रहे हैं। देखो मैं इनके बीच में घुस रहा हूँ, कोई बहुत ज़्यादा नेदराइट आर्मर भी नहीं, इंचार्टमेंट भी नहीं लगा रखी है मैंने, फिर भी इतने सारे थे, मैंने इनको बहुत आसानी से मार दिया है ठीक है। चलो भाई खा लो गोल्डन एप्पल, गोल्डन एप्पल खाना है फिर ओके। देखो मेरी आयरन की स्वॉर्ड की HP बस टूटने वाली है ठीक है, बच्चे बहुत परेशान करते। ओ क्रीपर नो, अरे वो लोग भी आने लगे, स्पाइडर क्रीपर भी आएंगे, अभी स्केलेटन भी आएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। देखिए मैं कितनी आसानी तो नहीं कर सकते, लेकिन एवरेज प्लेयर इतना कर सकता है, और फिर आप एवरेज से प्रो भी बन सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस आपको बहुत दिनों तक करनी है, और जब तक आपको लगता नहीं कि हाँ अब मैं प्रो बन चुका हूँ, तब तक आपको इसकी प्रैक्टिस करते रहना है ठीक है। अभी देखिए मेरी HP ख़त्म होने वाली है, तो मैं गोल्डन एप्पल खा रहा हूँ, वो तो मैंने आपको बताया है ठीक है। इसको पास नहीं आने देना है, दूर से ही चटकाना है, अगर कोशिश करिए पास नहीं आ पाएंगे, तो पास तो आ जाता है।
देखो कितने सारे बंदे हैं, मैं इनको कैसे मार रहा हूँ। ठीक है, कोई ज़्यादा हाई फाई शॉट भी नहीं है कि नेदराइट शॉट हो। और देखो अब मैं मरा, खत्म। नहीं देखो शील्ड ने मुझे बचाया है, शील्ड की वजह से हुआ है, वरना मैं तो, मुझे लगा कि मैं तो गया खत्म। अभी मेरे सर के ऊपर एक ब्लॉक है, नहीं तो मैं क्रिट मारता हूँ इन सबको। निकलने दो मुझे बस। ठीक है गाइस, नीचे पहुँच चुके हैं, ऊपर आ रहा है, मेरे को नीचे नहीं धकेले बस। फिर मैं बताता हूँ इनको, मुझे ऊपर जाने दे। अरे भैया ऊपर जाने दोगे तो ये दिक्कत होती है गाइस। चलो ऊपर आए तो फिर उनसे फेयर फाइट लेता हूँ पूरी। ठीक है, ये देखकर देख सकते हैं इतने सारे बंदे थे, ना कोई हाई फाई शॉट, आयरन की शॉट से मैंने इनकी भाई कुछ भी कह दो बहुत गंदी पिटाई कर दी है लोगों को। किट मारनी है आपको। बहुत लोग कहते हैं स्पैम करता है तो उसमें बड़ा बंदा होता है, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। स्पैम करने से क्या ही होता है, स्पैम करने से आदमी लूज छोड़ना बन जाता है। ठीक है, अभी आप एवरेज प्लेयर से प्रो प्लेयर बन चुके हैं। ठीक, अभी हम लोग यहाँ से भागते हैं पहली फुर्सत में। ओके क्रिएटिव चले जाना हम लोग को। देखिए अब आप एक एवरेज प्लेयर से प्रो प्लेयर बन चुके हैं। अब आपको क्या करना है, अगर आपके कोई फ्रेंड हो तो बस उसके साथ आपको फाइट करनी है, ताकि आप प्रो से लेजेंड बन सकें, और फिर आप एकदम सनपाई स्पाइडर की तरह बन जाएंगे। तो आपको इसकी प्रैक्टिस पहले करनी है, फिर पार्ट टू में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग प्रो कैसे बन सकते हैं। ठीक है, प्रो तो आप लोग बन चुके हैं, प्रो टू लेजेंड कैसे बन सकते हैं। ठीक है, जिस तरह आप सनपाई स्टडी की तरह आप लोग पीपी करना सीख जाएंगे, फिर एंड देन आप लोग पीपी में प्रो बन जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आपको जो मैंने बताया आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको आर्मर स्टैंड से प्रैक्टिस करनी है एक दो महीने तक, फिर आपको प्रैक्टिस करनी है हस्क के साथ लड़ने की। ओके, और जब तक आप लोग ये कर लेंगे तो कुछ ही दिनों बाद मैं अगली वीडियो में यही बताऊंगा सीधे कि आप लोग और भी चीज़ों को कैसे सीख सकते हैं और आप लोग प्रो टू लेजेंड बन सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए मेरे इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।